स्टडी रूटीन क्या, मतलब कितने आवर्स आप पर डे पढ़ाई करते थे? सर स्टडी रूटीन सर वैसे वैरी करता था, जैसे कभी कभी तो सर 12 घंटे से ऊपर चला जाता, कभी नीचे। लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने मैनेज किया कि मेरा 24 घंटे में 8 घंटे की एफिशिएंसी ले आता था मैं। अगर आप टोटल निकालोगे तो मेरी 8 आवर्स की मेरी एफिशिएंसी है ही है सर पर डे हर की दिन में। हाँ सर। और ऐसे सर वेरी कर जाता था, जैसे सर अगर किसी का जैसे बर्थडे आ रहा है या मेरे फ्रेंड्स सर बहुत जॉब में लगे हैं, पाँच पाँच चार चार जॉब में लगे हैं कई फ्रेंड्स, तो सर अब सर सर जिस दिन वो जैसे उनका रिजल्ट आता था तो हम पार्टी वगैरह कर लेते, जैसे पूरे दिन पढ़े फिर रात को 10 बजे के आसपास डीजे लगा के नाच लिए फिर सो गए। तो सर और मैं सर ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जैसे सर रख सब रखते हैं कि हफ्ते में एक दिन की छुट्टी रखते हैं, 6 दिन पढ़ते हैं एक दिन छुट्टी रखते हैं, तो उस दिन कुछ ऐसा मत करो। अब हम क्या करते हैं कि छुट्टी रखते हैं उस दिन व्हाट्सअप चला रहे हैं फेसबुक चला रहे हैं, तो सर कुछ नहीं होगा। अगले दिन आप पढ़ने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर से फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी। तो कोशिश करो कि चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे खेल लो, चाहे नाच कूद लो, कुछ भी करके शरीर को तोड़ लो ताकि फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, वो अगले दिन से आपकी एफिशिएंसी फिर से डबल हो जाएगी। राइट, मतलब ब्रेक को ब्रेक की तरह बिल्कुल कुछ नई सर। एक्टिविटी करो, ना कि सोशल मीडिया हाँ पे टाइम सर वेस्ट कर दिया। राइट, आई बिल्कुल मीन सर। बढ़िया। नवीन, एक चीज़ ये पूछनी कि जो आपका स्टडी रूटीन था, कैसे सुबह उठ के पढ़ते थे या रात को देर तक, कैसा रूटीन था आपका? सर रूटीन तो मेरा अच्छा चला है सर, जैसे मैं लगभग 12 बजे के आसपास, अब जैसे सर ये भी वैरी करता सर, गर्मी होती थी तो सर जैसे लगभग 12-1 बजे सोता था मैं, 5 बजे उठ जाता था सुबह। हमें सबको उठना पड़ता था सर, सर उठाते थे हमें, हमारा 5 बजे से टेस्ट चलता था पूरा, बता दूँ सर। 5 बजे उठते थे हम, 5 बजे से सर टेस्ट देती हमारा एनालिसिस होता था, 8 बज जाते थे सर एनालिसिस करते करते, 8 बज जाते थे। 8 बजने के बाद सर जस्ट कई बार सर ऐसा होता था 8:30 तक पहुंच गया सर, फिर मैं 8 से 9 वो कैप पढ़ता, 9 से 9:30 सर मैं ईडियम्स या वन वर्ड कुछ भी सर, वो मेरा हर जैसे वीकली बनाता था सर मैं, तो वो वैरी करता था। 9:30 से 11:30 मैथ्स पढ़ता था, 11 से 12 मैं अगर पहले वन वर्ड पढ़ रहा हूँ तो इस टाइम ईडियम पढ़ूंगा, 12 से 12:30 हमारा लंच होता था, 12:30 से 2 बजे तक हमारा सर रेस्ट होता था, हम सोते थे 2 बजे के, 2 बजे सारा जैसे 1.5 घंटे में कहीं ना कहीं नींद पूरी नहीं हो पाती थी, तो 2 से 2:30 सर पैदल चल के घूम के वो कैप पढ़ लेता था, तब नींद भी खुल जाती थी। फिर 2:30 से 4:30 बजे तक, 4 बजे तक सर मैं नीतू सिंह पढ़ता था, फिर 4:30 बजे सर हमारा सर टी ब्रेक होता था, तो आधा घंटा सर वहाँ मैं कोशिश करता था कि मैं सर मतलब पढ़ते पढ़ते ही चाय वगैरह पी लूँ सर, तो टाइम ख़राब नहीं, उस टाइम भी सर मैं वो कैब भी पढ़ता था, वो कैब बहुत पढ़ी सर मैंने। तो फिर 5 बज जाते थे, 5 से 6:30 बजे तक, 5 से 6:30 मैं मैथ्स पढ़ता था, फिर 6:30 से 7 वो कैब सर, फिर ये होता था कि 7 से 7:30 सर हमारा रेस्ट हो जाता था 6:30 से लेकर 8 बजे तक। तो फिर सर मैं कोशिश करता कि मैंने रेस्ट तो सर बहुत कम लिया है, तो सर 6:30 से 7 अगर जीएस वगैरह या सर वो कैब में जो मुझे नहीं आया सर, ये मैं उस टाइम की बता रहा हूँ सर जब सब लोग रेस्ट कर रहे थे, जब सबका ये था कि भाई एग्जाम डेट कब आएगी कब आएगी सर, उस टाइम में मेरे पीक पे था। ओके। तो सर 6:30 से 7 सर वही वो कैब ईडियम फ्रेज वगैरह फ्रेजल वर्ब वगैरह, फिर 7 से 7:30 भी वही सर वो कैब, सर 7:30 से 8 मैं जल्दी से नहा के और सर खाना डिनर किया, तो सर 8 बजे फिर हम सब सबका टाइम हो जाता पढ़ने का, तो वह 8 बजे फिर से पढ़ने लग जाते थे। फिर सर सर फिर वही अगर जहाँ मुझे वीकनेस लगती थी वहाँ, अब जैसे सर मुझे फ्रेजल वर्ब भी याद नहीं हो पाती थी, फिर बाद में पता चला एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आती वो फ्रेजल वर्ब, तो सर 8 से 9 तक मैं पूरे 1 घंटे फ्रेजल वर्ब पढ़ता था, 9 से 11 मैथ्स पढ़ता था सर। फिर बीच में ऐसा हुआ कि सर्दी आ गई, तो सर 10 बजे सबको सर्दी में होता है सर, 10 बजे नींद आने लग जाती है, सर्दी लगने लग जाती है सर। फिर मुझे यही लगने लगा था कि अगर तू 10 बजे सो रहा है, 10:30 बजे सो रहे हैं, तो तू आगे सर मेरा ये हो गया था कि सलेक्शन तो लेना है कुछ भी हो जाए, तो सर मैं मुझे ये लगा कि 10:30 बजे सो रहे हो तेरा सलेक्शन कैसे होगा। तो सर फिर मैंने कोशिश की कि 10 बजते ही जैसे सर एक दो पढ़ते रहते थे बाकी चले जाते थे, तो सर मैं 10 बजे मॉक टेस्ट स्टार्ट करता था सर, स्पीड अच्छी हो गई थी तो 11:30 बजे के आसपास खत्म कर देता सर मैं, सर वो मॉक भी 2016 वगैरह के टाइप के होते थे सर, 11:30 तक खत्म करके सर आसान होते थे, तो एनालिसिस सर आधे 1 घंटे में हो जाता था, 1 घंटे में खत्म करके सर मैं सो जाता था, फिर सुबह 5-6 बजे उठ जाते थे सर, यही पूरा राइट। रूटीन चलता था सर मेरा। सो देखिए, नवीन की जो सक्सेस है इसके पीछे एक तगड़ी मेहनत है, जिन्होंने बताया डेडिकेशन, और जो जुनून था ना कि एग्जाम तो निकाल के रहेंगे कुछ भी होगा। तो एक इनको ये भी था कि भाई बाकी अगर सो रहे हैं 10 बजे तो मुझे नहीं सोना है, मुझे और थोड़ा पढ़ना है इनसे एक्स्ट्रा। दैट्स वंडरफुल। राइट नवीन, एक पर डे जो पढ़ाई थी उसका रूटीन क्या था? क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। राइट, सो मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका जो सीक्रेट रेसिपी है वो आप बता दो, क्योंकि अब आप कंपटीशन में नहीं हो, कि क्या आपका स्टडी रूटीन था और कितना उसमें आप फ्लेक्सिबल थे? क्या ऐसे दिन आते थे जब मन नहीं करता था पढ़ने का, या हमेशा ये था कि नहीं नहीं पढ़ना ही है? नहीं राइट, नहीं कैसा? ऐसे बहुत दिन आते थे जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, जैसे काफ़ी बार मैं वीकेंड्स पे कुछ नया नहीं करता था, थोड़ा बहुत बेसिक रिवीजन ही करता था, पर मोस्टली वो रिलैक्स डेज होते थे। और मैं जैसे मैं मतलब मैं बहुत इंटेंस नहीं कहूँगा कि मैंने स्टडी की है, नॉर्मली स्टडी की, क्योंकि मेरे पास पूरे दिन होता था तो मैं अपनी स्टडी को उस
उस हिसाब से प्लान बना लेता था कि सुबह 1-1.5 घंटा कर लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा देर 1-2 घंटे किया, तो वो एक प्लान था। पर हाँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत रेगुलर, जैसे लोग कुछ 15-15 घंटे, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, बहुत चिल्ड आउट ही था, तो मैं उस हिसाब से प्लान कर लेता था। ऑन एन एवरेज कितने आवर्स की स्टडी आप पढ़े ऑन करते एन थे? एवरेज कहेंगे तो 5 to 6 आवर्स रेगुलर था, वीकेंड्स पे थोड़ा कम रहता था, पर ये 5 to 6 आवर्स विदाउट मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट बना ले तो 7 to 8 आवर्स, 2 to 2 आवर्स और हो जाते थे। पर मैं बहुत, ये 14-15 आवर्स तो मेरे से कभी नहीं हुआ, तो मैं उतना नहीं कर पाता था। मैं ब्रेक ले लेके थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेके पढ़ता था। राइट। हाँ अच्छी, नमन मैंने आपसे जब बात हो रही थी पहले, तो ये भी हमने डिस्कस किया कि आपने बोला कि आप बहुत लंबे देर तक एक साथ हाँ नहीं पढ़ पाते थे, हाँ राइट। सो ये जो एक बैरियर है, इसको आपने कैसे मतलब ब्रेक करने की कोशिश की, या आप इसमें यूज टू हो गए कि ओके आई कैन नॉट रीड फॉर लॉन्ग आवर्स, सो मैं पढ़ूंगा, मैं ब्रेक लूंगा, फिर पढ़ूंगा। हाँ तो कुछ मुझे ऐसा? पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि और वीकनेस क्या है, कि मुझे पता है कि मैं अगर नहीं लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ सकता, और अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है, नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते। तो मैंने अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड किया कि मैंने देखा कि बुक से ज़्यादा बेटर है मॉक टेस्ट अगर लगाएंगे तो 2 आवर्स आपको टाइम उतने में तो देना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए, मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा मॉक्स की तरफ था और वीडियोज़ की तरफ था कि उसमें टाइम चला जाता था, मुझे मेरा बुक से पढ़ने में इतना नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन नहीं बैठता, तो मैं वही चीज़ को ऑनलाइन मॉक्स और वीडियोस के थ्रू कर लेता था। तो जैसे 2 आवर्स का मॉक्स होता है तो 2 आवर का प्रॉपर मॉक दे दिया, उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर उसे एनालाइज करने में 1-1.5 घंटा किया, फिर उसका आपको पता चल गया कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, उस उन टॉपिक्स पर आपने टाइम दिया, 1-1.5 घंटा थोड़ा और एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो मेरा शेड्यूल बन जाता था। मतलब मैं, क्योंकि थ्योरी तो मैं टीयर 1 में भी एक बार हो ही गई है, तो टीयर 2 में तो मेन सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप प्रैक्टिस पे फोकस करोगे और अपने वीक पॉइंट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे तो आपका हो जाएगा। राइट। और कि स्टडी के दौरान आपका स्टडी रूटीन क्या रहता था, कि मतलब आप मॉर्निंग में पढ़ने वाले हैं या रात में देर तक जगने नहीं वाले सर, हैं? हमेशा जल्दी उठ के पढ़ा है, मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ है और 4 बजे उठ के पढ़ती थी तो मैं। ये आपका नॉर्मल रूटीन था या तैयारी के दौरान आपने तैयारी के 4 बजे दौरान, क्रिएट किया? तैयारी के दौरान कि सुबह 4 बजे अच्छा कंसंट्रेशन होता है, सुबह उठ के पढ़ा। तो ये आपका रेगुलर प्रिपरेशन के दौरान 4 AM रहा, यस सर, राइट। जैसे एग्जाम पास आता गया तो पहले जैसे प्री दिया तो थोड़े दिन ऐसे नहीं कि प्री होते ही फिर से 4 बजे उठना है, प्री पास आया तो स्टार्ट किया था फिर से। जब प्री हो गया उसके भी 1-2 महीने बाद फिर से दोबारा स्टार्ट करें, जब मेंस पास आने लगा कि हाँ अब 4 बजे उठ के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है तो पढ़ना। राइट। बट मेंस के दौरान मुझे याद है, तो विंटर्स आ जाते हैं, तो विंटर्स के दौरान 4 बजे उठना अपने आप में एक बड़ा बड़ा क्या कहते हाँ हैं कि सर, काबिले तारीफ। बड़ी दिक्कत होती है, फोन को दूर रख के सोती थी, ये जैसे पास में है तो वहीं की वहीं अलार्म आपने ऑफ कर दिया, दोबारा सो गए पता भी नहीं चला, सीधा 6-7 बजे नींद खुल रही है, और फोन को दूर रख के सोती थी। जितनी देर वो उठ के बंद करने जा रहे उतनी देर में आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं पढ़ना है, राइट तो पढ़ना है और उठो और पढ़ो। राइट। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वहां जाके बंद करके सो जाते हैं, ठीक है। नहीं सो देखिए, थोड़ा सा ये कमिटमेंट आपको चाहिए कि अगर आपको मॉर्निंग में उठना है, देन यू नीड ए कमिटमेंट कि उतने पीरियड में आपको ध्यान आना चाहिए कि एग्जाम निकालना है, तभी आप पढ़ोगे। दैट्स वंडरफुल। तो संतोष, मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप हर सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देते थे तैयारी में, ताकि लोगों को एक फेयर आइडिया पता चले कि भाई कितना मैथ कितना GS आपने फोकस किया। मुझे पहले ये बताइए कि आपका जो स्टडी रूटीन था वो क्या था? जैसे लेट्स से मॉर्निंग में आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो कितने बजे आप पढ़ना शुरू करते थे एक टिपिकल डे, और कितने बजे तक पढ़ते थे, ये मुझे थोड़ा सा बताइए। मैं सुबह 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ता था, 12 बजे से 2 बजे तक रेस्ट करता था, फिर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ता था, फिर शाम को 8 से 8:30 रेस्ट करता था, फिर 8:30 से लेकर 10-10:30 बजे तक मैं GS पढ़ता था, और रीजनिंग कभी कभी साढ़े आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ लेता था। रीजनिंग डेली नहीं पढ़ता था, मैथ्स इंग्लिश और GS डेली पढ़ता था। राइट। तो देखिए, ये इन्होंने अपना पूरा जो सीक्रेट रेसिपी है वो बता दी है, काफ़ी मेहनत करी संतोष ने। लगभग एक बड़ा सा चंक गया आपका इंग्लिश को, बड़ा सा चंक गया मैथ्स को, और GS को टाइम दिया आपने, रीजनिंग ऑन एंड ऑफ आप पढ़ते थे, ठीक है। तो ठीक है अंकित, एक चीज़ और कि आपका जो स्टडी रूटीन था वो क्या था? क्या आप बाकायदा लिखते थे कि 9 to 10 में मैथ पढ़ूंगा, 11 to 12 में इंग्लिश पढ़ूंगा, और कितने घंटे आप पर डे पढ़ाई करते थे? सर मैंने ऐसा कोई रूटीन बनाया नहीं था, बस सिंपली टॉपिक कंप्लीट करने पर हम ज़्यादा फोकस करते थे, ये नहीं कि 9 से 11 मैथ्स पढ़ना है, तो ये चीज़ मुझसे कभी नहीं होता था, कभी मन नहीं लगा या इंटरेस्ट नहीं है मैथ पढ़ने का, उसमें इंग्लिश पढ़ने का मन हो गया, इस वजह से रूटीन मुझसे कभी फॉलो नहीं हो पाया, बनाया मैंने ट्राई भी नहीं किया। ऑन एंड एवरेज कितना पढ़ते थे आप पर डे? एवरेज 5-6 घंटा पढ़ते थे। 5-6 घंटे पर डे। सो अंकित, प्रिपरेशन के दौरान ऐसे भी दिन आए होंगे ना जब आपको लगा होगा कि बहुत हो गया, अब नहीं करना तैयारी, या फिर मोटिवेशन ही नहीं बन रहा है, मतलब
उस समय को आपने कैसे टैकल किया राइट, कि नहीं मेरे को फिर से ये मेरे को एग्जाम निकालना है तो मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा और मैं फिर से पढ़ाई करूंगा। ऐसा कोई इशू आया नहीं था बिजनेस, क्योंकि जो टॉपर थे सीजीएल 16 के या 15 के उनका जो है मार्क्स ज्यादा था, मैं बस उसको टारगेट कर रहा था कि जो टॉपर का मार्क्स आए राष्ट्रीय उतना मार्क्स मुझे भी टारगेट करना है कि उतना मार्क्स आ जाए सो देट मुझे अच्छा पोस्ट मिल जाए। मैं टॉपर का मार्क्स कंपेयर करता था और किसी का मार्क्स से नहीं। राइट, सो जो मैं समझ पा रहा हूँ अंकित की बात से कि अगर आपके गोल्स क्लियर हैं देन मोटिवेशन अपने आप होता है। आई थिंक आपको अलग से मोटिवेशन खोजने की जरूरत नहीं होती। राइट, हाँ ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ता, बस जो टॉपर थे उनके मार्क्स को मैं अचीव करने का ट्राई कर रहा था। राइट, सो अंकित एक चीज और की जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो मेन पढ़ाई होती थी वो आप दिन में करते थे सुबह उठ के या फिर रात को करते थे, मतलब लोग जानना चाहते हैं। ठीक है सर, मेंस प्रिपरेशन के ड्यूरिंग तो मैं दिन भर पढ़ाई करता था और रात में भी, रात में कम पढ़ाई करता था। बस जिस समय सीजीएल 17 मेंस का प्रिपरेशन नहीं करते उस टाइम रात में ज्यादा प्रीफर करते थे। ओके, सो आपका मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मेंस के दौरान आपने रूटीन अपना थोड़ा करेक्ट कर लिया। हाँ, उस समय थोड़ा दिन में ज्यादा पढ़ाई करने पर ध्यान दिए थे, नहीं तो मोस्टली मैं रात में पढ़ना ज्यादा पसंद है। रात में पढ़ना ज्यादा पसंद है, ठीक है।